सारे लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 3 by 4 plus 1 by 15 minus 2 by 15 4, 5, 15 का एलसीएम निकालने पर साइड में 4, 5, 15 ठीक है, इसको डिवाइड करें, 2 दुना 4, 5 डिवाइड नहीं होगा, 15 भी डिवाइड नहीं होगा, 2 डिवाइड होगा ठीक है, फिर डिवाइड करें 5, 15 अब यहाँ से हम चीजें करें, एलसीएम निकालें, 3 से कम होगा 5 और 5 बचा, 5 चौका 5 अब इसका मल्टीप्लाई करें 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ठीक है, करें 2 दुना 4, 4 से 12 12 बचे ये 60 ठीक, ऐसे मेरा कितना निकला 60 निकला, तो यहाँ पे नीचे हर में लिख देंगे ठीक है। अब क्या करेंगे, जो उसका हर है ये सरल कवि में जो भिन्न दिया है इसका हर अंश हर, इस हर से हम 60 में डिवाइड करेंगे ठीक है, लेफ्ट साइड में करें 60 से 4 से 4 एकम 4 6 में 4 गया 2 4 पंजे 20 15 बार में ये डिवाइड हो गया है आपका ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और जो ये 15 आया है उसको लिख देंगे, क्यों लिख रहे हैं, 4 का डिवाइड किया 60 में तो आपका कितना आया 15 ठीक है, मतलब नीचे वाले से भाग होता है ठीक है, ऊपर वाले का गुणा देता है, फिर यहाँ पे प्लस लगा दें, प्लस लगा दें, अब फिर इस वही प्रॉब्लम करेंगे 5 का 6 15 में डिवाइड कर देंगे तो 5 का 60 में भाग कर देंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5 6 में 5 गया 1 0 का 15 10 तो ये 12 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है ठीक है। तो 12 ऊपर लिख देंगे और ऊपर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा हो रहा है, फिर यहाँ पर माइनस लगाए तो माइनस लगा दिए, अब 15 का 60 में भाग करेंगे ठीक है, तो 15 15 15 30 15 40 15 60 ठीक है, 60 बार मतलब 60 तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 4 बार डिवाइड हो जा रहा है, ऊपर वाले 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है। अब इसको दिन करें 15 15 15 30 15 45 ठीक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ 12 का 1 में करेंगे 12 और इसका 4 का 2 में करेंगे तो 8 ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 60 लिख दें 45 12 जोड़ दें इसको ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 6 7 और 4 1 5 ठीक है, और इसमें से 1 घटाना होगा हमें तो घटाएं 57 में से 8 ये इसको कैरी दे देगा 17 और 17 में से 8 जाएगा 9 और यहाँ बचेगा क्या 4 ठीक है 49 और 60 तो ये डिवाइड होते हैं किसी से, ये नहीं डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो इसको डिवाइड करेंगे पूरी तरह से नहीं तो जितने भी छोड़ेंगे ये आपका आंसर होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें कर दिया है, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दिया है 5 माइनस 2 सॉरी 1 बटे 7 प्लस 3 1 बाय 14 इस टाइप में दिया है ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 1 मान लीजिए, यहाँ पे नीचे अंश दिया है मतलब हर हर ही नीचे नीचे कर दिया जाता है, एक मान लेंगे आप यहाँ पर 2 1 बाय 7 प्लस 3 1 बाय 14 ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को पहले जो मिश्र भिन्न दिया है उसको भिन्न में कर लें, तो यहाँ पे हम 5 बाय 1 है ठीक है, 7 और 14 1 15 बटे 7 और इसका 14 14 28 चलते 42 एक 43 43 बटे 14। अब क्या करेंगे, फिर से लेफ्ट साइड में हम निकालेंगे एलसीएम 7 और 14 का ठीक है, तो 2 सत्ते 14 और 7 7 14 तो इसका एलसीएम आएगा 14 14 आएगा, 14 लिख लिए ठीक है। अब इस एक का 14 भाग करें 14 बार में जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई होगा, जैसा हम बताए थे 7 का भाग करेंगे 14 में 7 दुना 14 और ऊपर 15 का गुणा ठीक है, प्लस लगा देंगे, इस 14 का इसमें भाग हुआ एक बार में जाएगा 43 गुणे 1 ठीक है। अब 14 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो 14 14 28 14 42 14 14 56 14 25 70 ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस लगा दीजिए 15 दुना 30 ठीक है, और यहाँ पे 10 लगाए प्लस और 43 का पूरा करें 43 और यहाँ पे 14 ठीक है, 70 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 40 और यहाँ बचेगा क्या 43 ठीक है, यहाँ पे 14 और यहाँ पे हम जोड़ दें
तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 4 8 83 और 14। अभी भी कोई जैसा आंसर नहीं है, कोई जैसा आंसर तब आएगा जब आप इसको मिश्र भिन्न में कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो बड़ा होता है, जब भी ऊपर वाला बड़ा रहे तो उसको तुरंत मिश्र भिन्न में किया जाना चाहिए। तो इसको हम अगर नौ साइड में करें, 14 से भाग करें 83 में, तो 14 14 14 28 14 46 14 14 14 56 14 56 14 14 56 14 56 70 70, यानी 5 बार हो जा रहा है, 3 8 में 7 गया 1, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर हो जा रहा है। तो यहाँ पे जिससे भाग कर रहे हैं वो नीचे रहेगा, ठीक है, और जो शेषफल होता है वो ऊपर होता है, ठीक है, और भागफल यहाँ पर भी देंगे, यही आपका